मेघवाल विद्यापीठ पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, जो आगामी सीटी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी उससे संबंधित है। जैसे हम बात कर रहे हैं सीटी एग्जामिनेशन जो सी कलर ग्रुप का था, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। ये HSC ग्रुप डी का एग्जाम है, इवनिंग शिफ्ट का, 18 नवंबर 2018 का। तो इसमें कोई जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कालका विधानसभा क्षेत्र किसके जिले के अंदर आता है? तो कालका विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के पंचकुला के अंडर में आता है। पंचकुला इसके अलावा कौन है? पंचकुला में चंडी देवी एक कैंट है जो आर्मी स्टेशन है, और पंचकुला में चंडी देवी मंदिर भी है। अगला, हरियाणा के जितने भी ऑफिशियल अधिकारी कार्यालय हैं वो पंचकुला में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो सब सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? तो वो नदी कौन सी है? सरस्वती नदी ऐसी है। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और हाल ही में किस शहर का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा जो नगर था जिसका नाम सरस्वती नगर रखा गया है? अगला क्वेश्चन हमारा कि धारणी विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने किस वर्ष एक वन नीति का विकास किया गया था? अब बात करते हैं हरियाणा की जो वन नीति है वो कब लागू हुई थी। क्वेश्चन यहाँ बनता है, हरियाणा वन नीति कब आयोजित की गई थी, कब मतलब लागू हुई थी? 2006 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यादवेंद्र गार्डन यू कहें कहाँ स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। यह युग है पिंजौर में कौन सा गार्डन स्थित है? उसका नाम था यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी समस्या हरियाणा के मुख्य मृदा की समस्या बनी हुई है? देखिए, हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए व जल प्रदूषण को देखते हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से ही एक समस्या उत्पन्न होकर है, मृदा जो भूमि कटाव, मृदा अपरदन भी कहते हैं। भूमि कटाव कैसे होता है? वायु के द्वारा, तेज़ बारिश के द्वारा भूमि कटाव होता है। भूमि कटाव को कैसे बचा जा सकता है? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, मेंढ लगाकर या डोले वगैरह बनाकर भूमि कटाव से बचा जा सकता है। ये है मृदा के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। किसने कहा था हरियाणा शब्द आर्यन की उपज है? तो डॉक्टर HR गुप्ता द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि हरियाणा की जो उपज है वे आर्यन से है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? तो आप हमें बताएं हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा जाता। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के इतिहास के जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, वे किस स्तूप में पाए गए हैं? तो सांची स्तूप में पाए गए हैं। सांची स्तूप में हरियाणा के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, हम यूँ कहें तो कहाँ पाए गए हैं? सांची स्तूप में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बहुधन या बहुधान्य कहा जाता था? यह इसलिए कहा जाता क्योंकि यहाँ की भूमि काफ़ी समृद्ध थी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में हरियाणा को किस पौराणिक वंश की मातृभूमि या इतिहास कहा जाता है? तो भरत की जो मातृभूमि कहा जाता है, भरत के नाम से भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं महाभारत का से ही, या प्राचीन समय में ही जो भरत राजा थे उनके नाम पर ही हमारे देश का भारत नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के दौरान, ऐसी खुदा के दौरान किस राजा या किस जगह पर हरियाणा में जो मुकुट मिला? तो कुणाल एक ऐसी जगह है जहां हमें एक मुकुट मिला है। इसके अलावा भिवानी में नौरंगाबाद, मिथाथल हरियाणा में, राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान प्राचीन संस्कृति के प्रमाण हमें मिले हैं। अगला, किस वर्ष में सच्चर फार्मूला को शुरू किया गया था? 1949 को, 1949 को उसे शुरू किया था। मजलिस उलनिया किस द्वारा लिखा गया है? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है
कि हरियाणा भारत में पशुपालन के किसके बाद आता है? पंजाब के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर पंजाब के बाद ही आता है। पंजाब को पांच जो पांच जो पंजाब को पांच जो नदियां हैं उसके के बाद ही उसके नाम से ही पांच नदियों का जो पानी के संगम उसके नाम से ही इसका जो नाम पड़ा पंजाब है। ये क्वेश्चन थोड़े से मिसप्रिंटिंग है और हम क्वेश्चन हम करेंगे कि सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है। तो सूर्यदेव को जो समर्पित झील है सूरजकुंड झील है। सूरजकुंड मेला हरियाणा में कहाँ भरता है? सूरजकुंड मेला हरियाणा में फरीदाबाद में भरता है। ये कब भरता भाई? ये फरवरी में का जो महीना उसमें भरता है। और अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला की शुरुआत कब हुई थी? सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीरंदाजी के कौशल किसकी स्वयंवर की परीक्षा थी? द्रौपदी की तीरंदाजी के कौशल में स्वयंवर की परीक्षा थी। दमदमा झील हरियाणा में कहाँ है? गुड़गांव में दमदमा झील है, बड़खल जीपुर जैताब से फरीदाबाद में है। महाभारत का युद्ध किस दौरान हुआ था? महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। महाभारत कालीन जो साक्ष्य हैं महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में कुरुक्षेत्र इसका मेन केंद्र माना जाता है और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। हरियाणा में बच्चों को स्थिति सुधारने के लिए कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? एकीकृत बाल विकास परियोजना है, इसे हरियाणा सरकार के द्वारा लागू किया गया है।